फेरी 3 में मेकर्स अक्षय और कार्तिक को लाएंगे एक साथ? आखिर इस फिल्म के लिए दो स्क्रिप्ट क्यों बनाई गई है? कहां फंस रहा है पेज? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मौलिग्राज स्टूडियोज, मैं सोरिका जयाल। दोस्तों, अगर आप सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। दोस्तों, फिरोज नाजरवाला अपनी फिल्म हेरा फेरी 3 को लेकर काफी टाइम से चर्चा में है। फिल्म की लीड स्टार कास्ट को लेकर लंबे टाइम से कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है। इसी बीच फिल्म को लेकर एक ताजा रिपोर्ट सामने आई है। इसमें कहा जा रहा है कि नाजरवाला ने मूवी के लिए दो स्क्रिप्ट लॉक की है। इसमें एक अक्षय कुमार के लिए है तो दूसरी कार्तिक आर्यन के लिए, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है कि किस स्टार को लेकर कौन सी स्क्रिप्ट फाइनल की गई। वही दोस्तों, आपको बता दें कास्टिंग को लेकर भी काफी प्रेशर है। इसी बीच फिरोज और अक्षय के बीच फिल्म हेरा फेरी के लिए काफी ज्यादा बातचीत चल रही है और ये कहा जा रहा है कि दोनों को भी लिया जा सकता है फिल्म में अगर दोनों मान गए। कार्तिक तो तैयार है लेकिन अक्षय ही तैयार नहीं हो पा रहे हैं। वही रिपोर्ट्स की माने तो फिरोज नाजरवाला ने कार्तिक आर्यन के साथ फिल्म को लेकर पेपर वर्क कर लिया है। वो यंग एक्टर के साथ फिल्म बनाने को लेकर काफी एक्साइटेड भी है। उन्हें लगता है कि कार्तिक फिल्म कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चा इतनी तेज है कि जिसकी वजह से फिरोज को अक्षय कुमार के बिना हेरा फेरी 3 पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। वही दोस्तों, खबरों की माने तो उनके पास अभी दो स्क्रिप्ट है, एक तो अक्षय कुमार के साथ और एक उनके बिना। अक्षय के साथ बातचीत चल रही है और कई मुद्दों को सुलझाया भी जा रहा है, लेकिन जब तक चीजें कागज पर नहीं होगी तब तक हेरा फेरी 3 की स्टार कास्ट फाइनल नहीं होगी। कहा जा रहा है कि अक्षय और फिरोज के बीच रेगुलर मीटिंग्स भी हो रही हैं। वहीं वो कार्तिक और मैनेजमेंट टीम से भी मिल रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो फिरोज ने अक्षय के लिए जो स्क्रिप्ट तैयार की है उनकी कहानी फिर हेरा फेरी की कहानी जहां खत्म हुई थी वहीं से शुरू होगी, लेकिन जो स्क्रिप्ट कार्तिक आर्यन वाली है उसमें दो राज्यों की कहानी बताई जाएगी, यानी कि दो दो राज्यों में दिखेंगे। डबल एंटरटेनमेंट होगा, ऐसा ही हो तो मजा आ जाएगा। डायरेक्टर ने अभी भी तय नहीं किया है, लेकिन स्टार कास्ट तय होने के बाद फिल्म को लेकर आगे बातचीत की जा सकती है। तो दोस्तों, आप कितना वेट कर रहे हैं हेरा फेरी 3 का? आप किसे देखना चाहते हैं? राजू बंता देखना नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को।